हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा घर पर कैसे बनाते हैं और ये पिज़्ज़ा बिल्कुल हेल्दी रहने वाला है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, मोज़रेला चीज़ जो कि हम अमूल का यूज़ करेंगे, पिज़्ज़ा ऑर्गेनो, चिल्ली फ्लेक्स। बेस की जगह पर हम यूज़ करेंगे ब्राउन ब्रेड जो कि हेल्दी रहेगी, एक प्याज, एक शिमला मिर्च और कुछ टमाटो सॉस। अभी हम प्याज की कटिंग कर लेंगे और शिमला मिर्च की भी कटिंग कर लेंगे। पनीर को हम छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेंगे जो कि बिल्कुल स्क्वायर शेप में होंगे। ये है दोस्तों ब्राउन ब्रेड। सबसे पहले हम इन पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस जो कि हम स्पून की मदद से लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद सभी वेजिटेबल्स को हम इन ब्रेड्स के ऊपर लगा देंगे। वेजिटेबल्स रखने के बाद अब हम इन पर रखेंगे मोज़रेला चीज़। दोस्तों पिज़्ज़ा बनने के लिए रेडी हो चुका है, अभी हम इनको ओवन में रखेंगे। अगर आपके पास सैमसंग का ओवन है तो आप इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज ना करें। आप सिर्फ 3 मिनट का टाइम सेट करें और जो बेस आता है उसके ऊपर सभी ब्रेड्स को रख दें। 3 मिनट में दोस्तों पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए दोस्तों एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने टाइमिंग एक बार ही लगानी है। अगर आप दोबारा टाइमिंग लगाकर रखेंगे तो पिज़्ज़ा हार्ड हो सकता है, इसलिए इसको 1 टाइम में ही बनाना है। अभी पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है। अभी हम पिज़्ज़ा पर ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। दोस्तों आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं, यह मार्केट में मिलने वाले पिज़्ज़ा से बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।